क्या आपने कभी एक बात पे गौर किया? भूटान की ना एक बात है जो बहुत खास है, और वो है यहाँ की सड़कें और नज़ारे। यहाँ सिर्फ आपकी मंजिल ही नहीं, यहाँ का सफर भी अपने आप में एक अनुभव है। और इस अनुभव के बाद आपका मन ही नहीं करेगा कि ये सफर कभी खत्म हो। हेलो माय पीपल एंड वेलकम टू एन ऑल न्यू वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं थिम्फू को छोड़ के पुनाखा की ओर, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, और मैं खासतौर से बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग ये कार लेके जा रहे हैं। एंड फॉर दिस एपिसोड स्पेशली आई एम कोलैबोरेटिंग विद अ कंपनी कॉल्ड जिनीगो, सो आई हैव अ ड्राइवर। कितनी खुशी। सो विद मी हियर आई हैव मिस्टर Somraj Chettri, and he's going to tell us a few stories about the songs of Bhutan. So yeah. Thimphu has two songs. Yeah. So this is Shimtokha. So ye jo mere piche song hai, this is called Shimtokha song, and this is one of the oldest songs in Bhutan. और हमने जो भूटान में पहले दिन में देखा था रात को song, that was called Tashicho song, जहाँ पे the king of Bhutan also has his office. पर ये सॉन्ग बहुत खास है क्योंकि ये पहले सबसे पहले बिल्ड हुआ था, और सॉन्ग अगर आपको नहीं पता तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती हैं, एंड ईच डिस्ट्रिक्ट, द 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भूटान हैव देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सॉन्ग्स। तो अब हम लोग आ चुके हैं दोचुला पास, एंड दोचुला पास इज द हाईएस्ट पास बिटवीन थिम्फू एंड पुनाखा एट 3150 meters। सो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी ठंड तो है ही, और मैंने सिर्फ एक डेनिम जैकेट पहनी है लाइक द जीनियस दैट आई एम, पर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। मतलब आई कैन इमेजिन ऑन अ क्लियर डे यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखता होगा। आज तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, जस्ट माई लक, बट कोई बात नहीं, फिर भी बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। बिकॉज थोड़े थोड़े क्लाउड्स के बीच में से जो रोड्स दिख रही हैं और रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ से नज़ारा। इज नोन एज ड्रुप वांगल स्तूपास। या ड्रुप वांगल मींस इट्स अ विक्ट्री स्तूपा। वी हैड अ स्मॉल war between the Bhutanese army and the Ulfa. Some of our Bhutanese soldiers has was also killed in that war. Okay. And for the victory and for those soldiers, this Druk Wangel Chorten is been built. Bhutan जाने से पहले ना बहुत सारे लोगों ने मुझे ये recommendation दिया था कि दोचुला पास जाके Druk Wangel cafe में कुछ मीठा item जरूर खाना। So here at Dochula Pass, I met some nice folks from Bombay. You guys can say hi. Hey. Thank you guys, and they gave me some good recommendations from Punakha. So, bye bye. See you soon. Now we are entering into the Punakha main district. Mm-hmm. This gate shows that every district, when you enter to every new district, there will be a gate welcoming to you. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खुरदा टाउन ऑफ पुनाखा में, जो एक पुनाखा का छोटा सा टाउन है, और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ सोमनीप जी के रिलेटिव के रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग खाएंगे एक खुरदा स्पेशल थाली। तो काफ़ी अच्छी होने वाली है आई एम श्योर। टेस्ट करके बताती हूँ जब खाना आएगा कि कैसा लगता है। Pickle, this is a tomato, chopped rice, and this is dal. This is most probably in a one. Thank you so much.
guys, I just checked into my resort at Punakha and this resort's name is Damchen Resort. And my humble solo trip is not so humble because I'm living in a good resort. Thanks to the good guys at Zinigo who are hosting me here in Punakha. Actually, पता है क्या पुनाखा में आने से पहले ना मैं बहुत ही ज़्यादा confused थी क्योंकि मैं जितनी भी properties online check कर रही थी रहने के लिए वो बहुत ही दूर थी from the main center. And पुनाखा में ऐसा है कि जो Zong है यहाँ का वो यहाँ का main center है और आसपास के जितने भी छोटे-छोटे towns हैं, छोटे-छोटे villages हैं और जहाँ पे homestays located हैं, they're very far away. So to be able to get around Punakha, आपको एक तो I think कोई dedicated driver चाहिए ही होगा. या फिर at least you should have some mode of conveyance क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे local mode of conveyance नहीं है. तो इसलिए यहाँ आने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा confused थी कि मैं कैसे manage करूँगी. So I'm so grateful to them for hosting me here. And अगर आपको भी भूटान में आना है और अगर आपको कोई dedicated itinerary follow करनी है, like if you want to come through a travel agent or through somebody who can plan out your entire itinerary for you or help you through all these little problems, so I'll leave their contact and their links in the description box below. You can contact them and they will help you with everything that you need help with. तो मिस्टर सोमराज के साथ जो मैं अगली जगह पे आई हूँ आफ्टर चेकिंग इनटू माय रिजॉर्ट इज कॉल्ड पुनाखा जोंग. और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पुनाखा जोंग और ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे आता है, एक मेल रिवर और एक फीमेल रिवर. द फीमेल रिवर इज कॉल्ड पोचू एंड द मेल रिवर इज कॉल्ड मोचू. एंड उन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से कौन सी रिवर बनती है? पुनाचांगचू जो पुनाखा की मेन रिवर है, विच इज ऑल्सो द बिगेस्ट रिवर इन भूटान, इज पुनाचांगचू. तो अभी मैं हूँ पुनाखा जोंग के ब्रिज के ऊपर और आज से पहले मैं किसी भी जोंग के अंदर कभी नहीं गई, लाइक थिम्फू, पारो, कहीं पे मैं जोंग के अंदर नहीं गई. और मैंने एक्सटीरियर से देखा है और जोंग की जो बिल्डिंग होती है वो हर जगह बहुत ही सुंदर दिखती है. तो आज हम लोग जाने वाले हैं पुनाखा के जोंग के अंदर, पर मैं अभी अपने पास गाइड का इंतज़ार कर रही हूँ. और यहाँ की एंट्री टिकट जो है वो 300 या 300 है. काफ़ी कुछ सीखी. पहली बात तो ये कि जोंग का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज़ फोर्ट. एंड पुनाखा जो था वो थिम्फू से पहले यहाँ का भूटान का कैपिटल होया करता था, पर अब थिम्फू भूटान का कैपिटल होता है. पर जितने भी इम्पॉर्टेंट रॉयल फंक्शंस होते हैं जैसे कि कोरोनेशन, सिक्स किंग का की नेमिंग सेरेमनी, फिफ्थ किंग की कोरोनेशन, रॉयल वेडिंग, सब यहीं पर हुई है. इनफैक्ट इस जो पीछे मेरे मॉनेस्ट्री है यहाँ पर हुई है. तो पुनाखा जोंग इन दैट वे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोंग ऑफ भूटान. जोंग जो है पुराने ज़माने में जब स्पेशली तिब्बत ने बहुत टाइम भूटान को इन्वेड करने की कोशिश की है, तो तब जोंग का जो रोल होता था वो एक फोर्ट और या फिर एक फोर्ट्रेस की तरह होता था. पर अब जो एक जोंग होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मोनास्टिक एरिया कैपिटल की तरह ट्रीट होता है. तो पुनाखा का जो जोंग है वो विंटर्स में मोनास्टिक कैपिटल बन जाता है और जब विंटर्स नहीं होती तो सारे जितने भी मंक्स होते हैं वो थिम्फू में रहते हैं, पर जब विंटर होती है तो 6 महीने के लिए बोलो पुनाखा जोंग में आके रहते हैं. तो ये सब जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये हमें हमारे गाइड ने बताई जो हमारे साथ अभी तक टूर कर रही थी और हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी ये जोंग के बारे में. तो अगर आप यहाँ पे आए तो एक गाइड के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करें, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री अलॉन्ग विद योर एंट्री टिकट. आफ्टर द जोंग हम लोग हैं पुनाखा की नेक्स्ट फेमस डेस्टिनेशन पे और वो है ये सस्पेंशन ब्रिज जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वॉकिंग सस्पेंशन ब्रिज इन ऑल ऑफ भूटान. एंड ये क्रॉस करता है पुनाखा की मेल रिवर को. Such a heartbeat pounding in your chest in this store.
I just crossed the bridge and here is a prime example of Bhutanese architecture for you because यहाँ पे पीछे एक घर construct हो रहा है. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं all the beams are wooden and the wood over here is not hammered on. Like there's no nails, there are no nails that are used. So सारे जितने भी wood pieces होते हैं wooden blocks, they're just jointed together without nails. So that's quite interesting. In fact, जो हम लोग ने अभी zong देखा उतनी massive building भी केवल और केवल जॉइंटेड वुडन बीम से बनी हुई है और जो बाकी की ये वॉल्स हैं वो मिट्टी और स्टोन से बनी हुई है. I'm back for dinner at the same place जहाँ पे मैंने lunch खाया था because यहाँ पे खाना इतना tasty है मैं बता नहीं सकती. तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी yogurt खा रही हूँ, दही basically, some चावल, some gobi. This is kevadatsi, which is like cheese and potato. Then there's dal and then there's this really interesting pickle made up of local leafy vegetables, tomato and mirchi. बहुत tasty है ये भी, बहुत ही ज़्यादा. तो यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आ रहा है. सो आई एम हियर विद मिस्टर चैम्पलिंग एंड आई वाज जस्ट हैविंग सम केवा दाची. सो दाची इन लोकल लैंग्वेज इज चीज. या इज चीज एंड केवा इज पोटैटो. सो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग. सो आई आस्क्ड कि व्हाट इज दिस चीज एग्जैक्टली मेड अप ऑफ. सो ही शोड मी दिस चीज. यू कैन होल्ड इट. या सो दिस चीज which is basically fermented cow cheese and organically made over here in Bhutan. So this is the cheese which is used for making all of the cheese dishes in all the Bhutanese dishes like imadachi, kevadachi. What is the mushroom dish called? Shamu dachi. So agar aapko ye menu pe kahin pe bhi dikhta hai Bhutan mein, so you can know that this is made up of this cheese. माई पीपल, मैं आज सोमराज जी के साथ फिर से निकल चुकी हूँ और हम लोग आज पुनाखा के लास्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं यहाँ से निकलने से पहले. पर ऑनेस्टली भूटान की रोड्स कितनी ज़्यादा अच्छी हैं कि इस पे ड्राइव करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. जैसे आप देख सकते हैं कि जिस कार में बैठी हूँ हम लोग बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं रोड्स के ऊपर एंड देर सो वेल मार्क्ड एंड सो ब्यूटिफुल टू गिव यू एन एग्जाम्पल. एंड आज तो दिन भी बड़ा सनी है तो अच्छा लग रहा है. One of the reasons why Punakha is very famous, if you can already see the paintings behind me, is because of its palace town. And you've guessed it right, this is a palace. And basically there's a legend here ki there was a divine madman jinka naam tha Drupa Kunli and he was responsible for warding off evil in Punakha using his male private part. So which is why the phallus symbol is worshipped here. And यहाँ पे एक बहुत famous fertility temple भी है, although I'm not going to that fertility temple. So this is a town where you see a lot of phallus. Our Mr. Tanya is on the way to the phallus city of Bhutan and we are walking through the fields, the rice field, but I'm sorry, the rice is not here right now and it's a very sunny day, so and I think she's very happy by having a very glorious weather, so that she's walking very smartly on the hillside, on the field side, so that otherwise if it would be rain, then she would have fall down many times. Everyone this is actually the arecal nut, which has been consumed
with the betel leaves, and this is the Bhutanese like mouth freshener. So, Palace Town ke saath saath Punakha ki zameen bhi kafi fertile hai, aur yahan bahut saare crops ugte hain. Yahan ke khet, log, mitti ke ghar, aur prayer flags bhi raha chalte chalte rukkar dekhne layak hain. So, Punakha area is very famous for the red rice, which is very high in protein and good for health. It's a red rice area. और बस खेतों के बीच से निकलकर आप फाइनली पैलेस टाउन पहुंच जाओगे जहां से आपका मन करे तो आप हैंडीक्राफ्ट्स खरीद सकते हो पर चाहे आप यहां से कुछ खरीदो या नहीं पुनाखा का एक्सपीरियंस आप हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओगे और याद जरूर रखोगे फिर किसी दिन अगर आपसे भूटान के बारे में कोई पूछे तो मुस्कुरा कर कह देना दिस वॉज द हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंस इन द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑन अर्थ ओके विद दिस We are saying bye to Punakha और हम लोग head कर रहे हैं Phuntsholing की ओर जहाँ से मैंने अपनी भूटान की journey शुरू की थी So thank you so much to Somraj Ji who was with me throughout my journey in Punakha and also to Zinigo for helping me with my entire Punakha trip and with this I'm going to end this video I'm so sad about leaving Bhutan Alright guys, I hope you enjoyed the series and अगली बार मिलते हैं कहीं और अच्छी जगह से ठीक है So like, share, subscribe and I'll see you later. Bye bye.